पाकिस्तान ने अपने देश में जिन आतंकवादी संगठनों को पाला पोसा, अब वे ही उसकी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही इंटरनेशनल मंच पर उसके बड़े दोस्तों के सामने भी फजीहत करवा रहे हैं। यहां तक कि चीन को भी इन आतंकी दलों ने धमकाया है, जबकि चीन ही वह देश है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त बना रहता है। बता दें, पाकिस्तान ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA, तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP को हमेशा वित्तीय सहायता देता रहा है, लेकिन अब इसी BLA ने पाकिस्तान सेना की नाक में दम कर दिया है। इतना ही नहीं, अब BLA ने चीन को भी धमकी दी है। उसने कहा है कि चीन को बलूचिस्तान से बाहर निकल जाना चाहिए। बता दें, इस बीच बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ऑपरेशन हेरो चला रखा है, जिससे पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस ऑपरेशन के तहत BLA के हमले में अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर BLA के लोगों के साथ बलूचिस्तान के इस आतंकवादी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक नकाबपोश धमकी दे रहा है। BLA के कमांडर इस वीडियो में कह रहा है कि बलूचिस्तान की जमीन सिर्फ और सिर्फ उनकी है, चीन और पाकिस्तान इस धरती पर और अधिक रुकेंगे तो नुकसान में रहेंगे। ऐसे में अगर चीन और पाकिस्तान के लोग मरना नहीं चाहते तो बलूचिस्तान छोड़कर चले जाएं। चीन ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में इन आतंकवादी हमलों की कड़ी निंदा की है। चीन सरकार ने पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी प्रयासों के लिए निरंतर समर्थन का वादा किया है। पिछले दिनों मीडिया रिपोर्ट में साफ था कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को सुरक्षा कर्मियों से ज्यादा सैलरी मिल रही है, और खुद पाक सरकार खदानों की सुरक्षा के लिए इन आतंकवादियों को हफ्ता दे रही है। ये हफ्ता सुरक्षा करने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षित छोड़ देने के लिए दिया जा रहा था। BLA के खदानों और खनन खनिज ले जाने वाले पाकिस्तानी ट्रकों पर हमला नहीं करने के लिए 260 रुपए प्रति टन की रकम दी जाती है, और तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP को खदानों पर हमला न करने के लिए 60 रुपए दिए जाते थे। हालांकि पाकिस्तान सरकार इस बात से इनकार करती रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को कहा कि अलगाववादियों के हमले का उद्देश्य बलूचिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना को बंद कराना है। वे पाकिस्तान और चीन के बीच सहयोग को बाधित कराना चाहते हैं। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कैबिनेट को संबोधित करते हुए ये बात कही। बता दें, रविवार रात व सोमवार को बलूच विद्रोहियों के ताबड़तोड़ हमले और सैनिकों की जवाबी कार्रवाई में 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। बता दें, बलूचिस्तान में चीनी परियोजनाओं के खिलाफ विद्रोही हमेशा से मुखर रहे हैं। वे प्रांत के संसाधनों पर केवल स्थानीय लोगों का अधिकार मानते हैं। बलूच विद्रोहियों ने बीते मार्च में बांध परियोजना से जुड़े 6 चीनी इंजीनियरों की हत्या कर दी थी। विद्रोही लंबे समय से चीन द्वारा संचालित ग्वादर बंदरगाह का विरोध करते रहे हैं।